आप सभी को नमस्कार। आप सब जानते हैं कि अभी मालूम हो गया हम अरुणाचल प्रदेश डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप सभी याद है कि उस समय में प्रपोज नारी को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन लगभग 2000 था, फिर भी सभी लोग मेरा कलीग भी उसका ऑब्जेक्शन किया था, इलेक्शन कमीशन भी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन हमने नहीं इम्पोर्टेंट एरिया तो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको देना चाहिए वो क्या हमने किया। सेवन नारी को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को भी हम परमानेंट गिफ्ट जैसे आप लोग को दे दिया, इससे तो हम आपका एरिया को मेरा फोन में भी एकदम चेरिश फोन है ना, इसका हिसाब से हम लोग ये फिर से देखने मांगता है। उनका कमियाँ है जो ताकत आपने जो किया था उसका पोस्ट आगे बढ़ाने के लिए अभी अभी का MLA जो किया है उसका भी हम पूरा पूरी करने के लिए इच्छा है। उसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरत है। यू हैव टू गिव मी ऑल सलूट एंड ऑल आदर सपोर्ट टू मी। हमको और इलेक्शन हो गया, इलेक्टेड हो गया, हम एकदम पूरा दिन मेरा प्रमिश है, ये तो बसों में है कि मेरा रिश्तेदार मेरा बात बच्चों को इसका इधर कोई इंटरफेयर ना कुछ करेगा बिजनेस को। आपको अब अभी देखना है, आप अपन बनाएगा आपको हम बनाने के तैयार है। जितना सेंट्रल एजेंसी से कहाँ पे प्लान लाने से भी अब लोग ही करेगा, हम एकदम अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब लोग कहीं जाएगा तो आपका बोलने के लिए आपका आने वाले पीढ़ी के लिए आप तो आपको अच्छा से बन मंदिर दास जाने में पोलिटिकल दास जाने में 5 years के लिए जो है आपको एकदम आपके लिए मैं सेवा करूँगा। इलेक्शन में आप जानते हैं तुरंत मुड़ा ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह का डायरेक्ट अटैक करना तो मेरे हिसाब से भी हमको भी कम तकलीफ दे देता है। नॉमिनेशन पेपर में नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के समय भी हम लोग को तकलीफ दिया, काम भी तकलीफ दे दिया। तो दोस्तों आप लोग को ये बताना जा रहा हूँ कि इलेक्शन होने का पहले जो प्रपोजल का ये समय में प्रपोजल स्टेज में था उस समय भी हम लोग कितना बार वार्निंग दिया, मत करो तकलीफ होगा आपका तकलीफ होगा, लेकिन उन लोग हम तो नेवर इमेजिन देयर बी सो बिग पीपल फॉर केस होता। लेकिन जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने का समय दिए हमारे दौरान को भी एकदम फिजिकल अटैक करके ना पंचिंग किया और किकिंग किया और उसका बुजिंग किया ना ऐसा करके उनका कपड़ा भी पा दिया, वो सब सबमिट है, सब जाता है, देखा है इन फ्रंट ऑफ लॉ अवॉइडिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्रेट का सामने भी तो सब अमित जाता है, उसका जिम्मेवारी कौन हो सकता है। मैं अनुरोध करूँगा लोगों को और तब जांच कीजिए आप लोग में मेरे लाइफ में जिन लोगों को भी स्टूडेंट लाइफ से करके पॉलिटिकल स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, सोशल एक्टिविस्ट था, तो हम किसी तरह से कोई किसी को तकलीफ नहीं दिया। आप सभी से मेरा एक गुजारिश है कि हम मोटे दम दम तो आपके लिए सेवा में हैं, लेकिन आप जोर से काम कीजिए। जितना जो वर्ल्ड का लीडर है आप तो पीछे रुकेंगे नहीं, करें पीछे नहीं देखेंगे, आप आगे जाएगा लाइक बोल हो जाए तो आपके लिए जितना होने से भी तो आप जितना दम है आप लोग लगा दीजिए। जो ADP जो अरुणाचल जय हिंद।